हिसार को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर आज किसान सभा अपनी मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रही है, और हिसार के क्रांतिमान पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान नेता, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे है। सर, आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? आज सूखे को घोषित करने के लिए हम यहाँ किसान साथी पहुँचे हैं। यहाँ बीजेपी सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है। आवाज दो। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी मुआवजा है, 50,000 रुपए मुआवजा सूखे घोषित करने का। सर, क्या आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? आज का प्रदर्शन हमने 10 कमेटियां बना करके पिछले 15 दिन से हिसार जिला की 309 पंचायतों के तमाम 300 के 300 गांवों के अंदर हमारी टीम खेतों का निरीक्षण करने के लिए गई। हमने देखा तमाम जिला हिसार के खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं। जीरी के किसान इतने आहत हैं कि 30,000 रुपये एकड़ प्रति हिसाब से खर्चा लगा करके किसान आज औंधे मुंह पड़ा है। 1 किलो जीरी किले के अंदर नहीं है। इसी प्रकार मोटी खेती करने वाली तहसील जैसे आदमपुर, बालसमंद और नलुआ के एरिया के किसान नरमा, गुआरी, मूंग, मूंगफली और बाजरा की फसल उगाते हैं, तमाम फसल बर्बाद हो चुकी है। हम मांग करते हैं, आज हमारा मुख्य एजेंडा है, तुरंत प्रभाव से जिला हिसार को सूखा ग्रस्त घोषित करके और गिरदावरी करवाई जाए। 50,000 एकड़ के हिसाब से हमारे को मुआवजा दिया जाए, वरना आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सभा मिल करके हम बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। जब तक पीछे नहीं हटेंगे, हमें सूखे का मुआवजा न मिले और बीमा कंपनी जो 1300 करोड़ रुपए हमारा निकल गई सरकार और अफसरों की शय के ऊपर, 68 गांवों का हमारा बीमा प्रीमियम बाकी पड़ा है, वो तुरंत प्रभाव से दिलवा जाए। 2020, 2021, 2022 और 2023 का खरीफ का हमारा मुआवजा बाकी तुरंत दिया जाए। जो बैंक का लोन जो किसान आर्थिक तंगी के कारण, सूखे के कारण, बाढ़ के कारण नहीं भर पाते, उनकी गिरफ्तारी के वारंट वापिस लिए जाए, वरना जिले का किसान तमाम सूबे के किसानों के साथ मिलकर के हम बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। और ऐलान करते हैं, किसी किसान को घर सरकार में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। इन सभी मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जिला हिसार के डीसी हिसार के मार्फत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन देंगे। हमारी सुनवाई नहीं होती, निकट भविष्य में किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग करके हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान मजदूर विरोधी, सांप्रदाय को बढ़ाने वाली, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली, खून खराबा करने वाली, धर्म के ऊपर लड़ाने वाली बीजेपी सरकार को हम यहाँ पर भगाने का काम करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सर, कौन कौन सी फसलें जो सूखे की वजह से जो खराब हुई है, और हरियाणा के कितने जिले से प्रभावित है? हरियाणा के 14,000 एकड़ जमीन अतिवृष्टि से, जो पहाड़ों के अंदर 2 महीने पहले बारिश हुई, 14,000 एकड़ जमीन हमारी 5 जिलों की बिल्कुल बुरी तरह जलमग्न होगी। सरकार की नाकामी का नतीजा है, सरकार के भ्रष्ट लीडर और भ्रष्ट अफसरशाही जो मरम्मत के लिए और ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए बारिश से पहले बजट होता है, उसको कागजों के अंदर खाना पूर्ति करके चट कर गए। उसका नतीजा हरियाणा के 1400 गांवों के किसानों को भुगतना पड़ा। 5,000 गांव हरियाणा के सूखे की चपेट में हैं। 7 जिले हरियाणा के बुरी तरह सूख चुके हैं। 1 दाना किसानों के खेत में नहीं, 1 किलो घास पशुओं को चराने के लिए किसानों के खेतों में नहीं, उल्टा कपास का, मूंग का और ये गुआरी का, मूंगफली के ऊपर 20,000 पर एकड़ खर्च कर चुके, जीरी के ऊपर 30,000 पर एकड़ के हिसाब से खर्च कर चुके। सारी फसलें सूख करके चौपट हो गई और गांव के ऊपर मिर्च छिड़कते हुए मनोहर लाल सरकार कहती है, खरड़ के, अलीपुर के, मिर्जापुर के, नैना के, लाडवा के किसान जो बैंक का कर्जा वापिस नहीं कर पा रहे, सूखे से दुखी होकर के उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट जारी कर दिए। घर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने अपनी माँ का दूध पिया है और भ्रष्ट लोगों की सरकार ने
अपनी माँ का दूध पिया है, तो हमारे मजबूर कर्ज ग्रस्त किसान भाइयों को गिरफ्तार करके दिखाए, हम उसका हिसाब वहीं पर चुकता करेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह लंबरदार जी, इनका साफ तौर से यही कहना है कि ये सरकार इनकी मांग को जल्द से जल्द जो पूरा करे, और कपास गवार की जो फसलें जो सूखे से जो खराब हुई है उनका जो है मुआवजा 50,000 प्रति एकड़ जो है दिया जाए। पंजाब के सिटी के लिए हिसार से दोस्तों ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।